गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीरेन पटेल। आज आप लोगों को कक्षा 12 का मैथ, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अवयव। अवयव फलनों अथवा संख्याओं का एक आयताकार विन्यास होता है। ठीक, अवयव जो होता है वह फलनों अथवा संख्याओं का आयताकार विन्यास होता है, जिसे पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने से प्राप्त होता है। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो अवयव होता है वह फलनों अथवा संख्याओं का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें हम फलनों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखने से प्राप्त होता है। जो अवयव होता है, अवयव के निरूपण करने के लिए सबसे पहले उसका हम नाम देते हैं। नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर का हम प्रयोग करेंगे, जैसे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी इत्यादि। संख्याओं या फलनों को जो अरेंजमेंट करते हैं, या तो हम इस प्रकार बड़े कोष्ठक में करते हैं, या दो खड़ी पाइयों का एक जोड़ा बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, उसको घेर कर उसमें लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं अवयव ए। ठीक, तो उसका नाम जो हम देंगे वह अंग्रेजी वर्णमाला का कोई बड़ा अक्षर देंगे। तत्पश्चात हम संख्याओं का एक अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्था देंगे, 2, 1, 3, -2, 7, 5, 0, 1, 6। यह एक संख्याओं का अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। इस प्रकार यह मैट्रिक्स ए हो गया। आगे हम देखें कि फलनों को व्यवस्था हम कैसे करते हैं, या फलनों का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं। तो एक मैट्रिक्स बी बना रहे हैं, जिसमें हम फलनों को अरेंजमेंट किए हैं, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स एंड टैन एक्स। इस प्रकार से हम यहाँ पे फलनों का अरेंजमेंट देख लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो अवयव होता है वह संख्याओं अथवा फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है, जिसे पंक्तियों अथवा पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने से प्राप्त होता है। अवयवों को लिखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम उसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी एक बड़े अक्षर का प्रयोग करके लिख लेते हैं। तत्पश्चात फलनों अथवा संख्याओं का जो अरेंजमेंट होता है, उसे हम बड़े कोष्ठक में या दो खड़ी पाइयों का एक युग्म खींचेंगे, उस युग्म में उसे घिर कर व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखे ही हैं, मैट्रिक्स ए यहाँ पर हो गया, मैट्रिक्स बी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो जो खड़ी लाइनें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं कि स्तंभ, और जो पृथ्वी के समांतर लाइनें होती हैं इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज लाइनें, इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर 3 स्तंभ हैं। पंक्तियों को हम R1, R2, R3 इत्यादि नामों से जानते हैं, और स्तंभों को हम C1, C2 इत्यादि नामों से जानते हैं। जैसे कोई यहाँ मैट्रिक्स देखें, हम लोग मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, 7, 2, 3, 0, 5। तो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं, R1 एंड R2, 2 पंक्तियाँ हैं R1 और R2। स्तंभ की बात किया जाए तो C1, C2, C3 3 स्तंभ है, C1, C2 और C3 3 स्तंभ है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग अवयव के अवयव या प्रविष्टि से हम लोग इनपुट कहते हैं। तो किसी अवयव का निर्माण, ठीक है, तो किसी अवयव का निर्माण जिन संख्याओं अथवा फलनों द्वारा किया जाता है, कोई भी अवयव हो, जिस किसी भी अवयव का निर्माण जिन संख्याओं से करते हैं अथवा जिन फलनों से हम लोग करते हैं, उसे अवयव के अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, अवयव के अवयव या प्रविष्टि को हम लोग AIJ या BIJ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ I जो है वह पंक्तियों को दर्शाता है और जो J है वह स्तंभों की स्थिति को दर्शाता है। अगर मैट्रिक्स A है तो उसके अवयव को हम लोग AIJ से प्रदर्शित करेंगे, अगर मैट्रिक्स बी है तो उसके अवयव को हम BIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए आप लोग, किसी अवयव का निर्माण जिन संख्याओं से
अथवा जिन फलनों द्वारा किया जाता है उसे उस आव्यूह के अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। आव्यूह के अवयव को हम लोग ए आई जे अथवा बी आई जे से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसके अवयव को हम ए आई जे से, अगर मैट्रिक्स बी है तो उसके अवयव को हम बी आई जे से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार मैट्रिक्स सी है तो उसके एलिमेंट को, उसके अवयव को हम लोग सी आई जे से प्रदर्शित करेंगे। जहाँ आई पंक्तियों को या पंक्तियों की स्थिति को दर्शाता है और जे जो है वह स्तंभों के स्थिति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है 2 1 3, इसके पहले रो में 2 1 3 और दूसरे रो में 7 5 6 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसके कुल कितने अवयव हैं तो इसमें वह 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है, 6 अवयव हो गए। इन्हीं 6 अवयवों का प्रयोग करके हम आव्यूह का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा अवयव 2 है यह पहले पंक्ति में है, पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग A11 से प्रदर्शित करते हैं। A112 हो गया। इस एलिमेंट की बात करें, इस अवयव की बात करें हम लोग, तो यह अवयव पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले हम पंक्ति को डिनोट करेंगे, 1 पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो इसे A12, ये एलिमेंट हमारा कितना है 1। इसी प्रकार अगर इस एलिमेंट की बात करें हम लोग, तो यह पहले पंक्ति में है लेकिन तीसरे स्तंभ में है, तो इसे हम लोग पहले पंक्ति को डिनोट करेंगे, उसके बाद स्तंभ को, तीसरे स्तंभ में है, ये एलिमेंट हमारा कितना है 3 है। इस एलिमेंट की बात करें, इस अवयव की बात करें, तो जो हमारा अवयव है यह पहले पंक्ति में नहीं है बल्कि दूसरे पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति में है बट पहले स्तंभ में है, तो यहाँ पर A21 हमारा हो गया 7। इस प्रकार हम आगे बात करें तो यह जो हमारा है यह दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये जो एलिमेंट, ये जो नंबर लिख रहे हैं यह पंक्तियों को दर्शाता है या स्तंभों को दर्शाता है। A22 = 5। और हम बात करें इस एलिमेंट का, तो यह दूसरे पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, यह पंक्ति नंबर 2 है और यह स्तंभ नंबर 3 है, तो यहाँ पर है 8 2 3, ये हमारा हो गया 6, ठीक है। इसी प्रकार होता है, अगर हमें किसी आव्यूह का निर्माण करना हो तो मान लीजिए मैट्रिक्स ये हमारा ए है, एक निर्माण करना है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जो जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, ठीक है, इसी का निर्माण करना है, इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो हम लिखेंगे A11 A12 A21 A22, तो ये हमारा हो गया, इसमें 2 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गया, ठीक है। तो इनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है, इस आव्यूह का निर्माण हुआ है, अतः यह आव्यूह ए के अवयव कहलाएंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग आव्यूह के कोट या क्रम, तो यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी आव्यूह का क्रम यम क्रॉस यन होता है। अगर किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ हों तथा यन स्तंभ हो, ठीक है, तो आव्यूह का जो क्रम होगा, चाहे जो कोटि होगा, इसे हम लोग आर्डर बोलते हैं, वह यम क्रॉस यन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, इसके पहले पंक्ति में 2 4 6 और दूसरे पंक्ति में 3 1 6 है, ठीक है। अब का क्रम ज्ञात कीजिए, क्रम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बेटा कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो गिनिए 1 2 2 पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्ति, ठीक है। अब स्तंभों की संख्या गिन लीजिए, स्तंभों की संख्या = 1 2 3 3 है, तो क्रम होता है पंक्तियों की संख्या 2 और क्रॉस स्तंभों की संख्या 2, बस यही इसका क्रम होगा, क्रम 2 क्रॉस 3। और हम लोग एग्जांपल देखें, एक